5 अगस्त 2019 भारत के इतिहास का और जम्मू कश्मीर के इतिहास का एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन बन चुका है और जो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। 370 के रहते जम्मू कश्मीर की महिलाओं के साथ जिस तरह से उनके मानव अधिकारों का, लीगल अधिकारों का हनन हो रहा था, अब वो खत्म हुआ। 2002 की जजमेंट जो जम्मू कश्मीर के हाईकोर्ट के फुल बेंच ने दी, जिसमें ये कहा कि 2002 के बाद किसी भी महिला की शादी यदि स्टेट से बाहर होती है तो उसके अधिकारों का हनन नहीं होगा। यानी कि उससे पहले यदि कोई महिला नॉन रेजिडेंट से शादी करती थी तो उसके सभी अधिकार खत्म हो जाते थे। लेकिन 2002 की जजमेंट को भी हाफ जजमेंट मैं कहूंगी, जिसके तहत महिला को तो अधिकार मिलेंगे लेकिन वो अपने अधिकार, वो अपने राइट्स अपनी अगली जनरेशन को, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी कोई भी चीज अगली जनरेशन को ट्रांसफर नहीं कर पाती थी और ना ही अपने पति को, अपने स्पाउस को किसी तरह का अधिकार वहां दिलवा पाती थी। लेकिन अब ऐसा जम्मू कश्मीर में नहीं होगा। बहुत दुखद बात है कि समय समय पर हमारे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज NC PDP कोशिश करती रही कि इस तरह का बिल जो इन इक्वालिटी को प्रमोट करता है, जो महिला और पुरुष के बीच में अंतर को एनलार्ज करता है, ये बिल पास हो जाए। 2004 में, 2010 में निरंतर कोशिश की गई इस बिल को पास करने की, लेकिन अब जो केंद्र सरकार की पॉलिटिकल विल एंड ग्रिट जो उन्होंने दिखाई है, जिसके चलते उन्होंने धारा 370 को ही स्क्रैप कर दिया जम्मू कश्मीर से, जो एक कहा जाए तो एक सैंक्शन, एक डिस्क्रिमिनेट करने का सैंक्शन, लीगल सैंक्शन हमारे स्टेट को मिल चुका था, जिसके चलते ना कि केवल महिला बल्कि वाल्मीकि, गोरखास और उसके साथ साथ वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, इन सब सेक्शन के साथ अत्यंत भेदभाव हो रहे थे, उनके मानव अधिकारों का हनन हो रहा था, वो स्टेट के अंदर स्टेट की नौकरी नहीं कर पाते थे, वो स्टेट के अंदर किसी तरह की सेंटर की स्कीम का लाभ नहीं उठा पाते थे, वो अपने रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट नहीं ले पाते थे, बैंकों से लोन नहीं ले पाते थे, जगह नहीं खरीद पाते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, द लिस्ट इज सो लॉन्ग। बट आज ये बहुत ही खुशी का मौका है, मैं जम्मू कश्मीर के निवासियों को और साथ ही साथ देश भर के सभी भारतवासियों को आज के दिन की बधाई देना चाहती हूँ और केंद्र सरकार के इस फैसले को बहुत वेलकम करती हूँ। थैंक यू, जय हिंद।